हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ये हमारा गुड़हल का प्लांट है और अभी क्या है, गुड़हल पे हो रही अच्छी अच्छी ग्रोथ। तो यहाँ से मैंने प्रून कर दिया था, आप देख भी सकते हो प्रूनिंग करी हुई है। और यहाँ पे 2-3 स्टैम्प्स यहाँ से निकल रही, यहाँ से मतलब 5-6 स्टैम्प्स निकल रही। यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से यहाँ पर कट किया हुआ था, तो ये भी अच्छे से मतलब ग्रोथ हो रही है। तो मतलब प्रून करने का यही फ़ायदा होता है कि प्लांट आपका घना भी हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब घना होगा तो जाहिर से बात है कलियाँ भी ढेरों सारी आएंगी। तो ये हाइब्रिड वाला मेरा येलो और रेड वाले जो सेट में आते हैं ना, वो वाले गुड़हल हैं। तो अभी क्या होता है ना कि हम मार्च का ये लास्ट वीक चल रहा है, तो इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई गुड़हल पे अच्छे से फ्लावरिंग चाहते हैं या फिर उनकी ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, इस तरीके से चमकदार पत्तियां चाहते हैं, तो हम सोचते हैं उनको कुछ ऐसा चीज़ दें। ऑर्गेनिक को भी होना चाहिए, केमिकल हम लोग थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि मिट्टी ख़राब हो जाती है और ज़्यादा होने की वजह से पौधे भी ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी पौधे सूख भी जाते हैं ऊपर फर्टिलाइज़र की वजह से। तो हम सोचते हैं कुछ घर का यानी किचन वेस्ट दें फ्री का बिल्कुल, और बिल्कुल हमारे बजट में भी हो और वो नुकसान भी ना करे। तो सबसे वेस्ट किचन वेस्ट में मानती हूँ दोस्तों। किचन वेस्ट में आपके पास सब्जियाँ आती हैं घर में, तो उन सब्जियों को आप चाहें तो पानी में सोख करके या फिर उनके जो क्या कहते हैं सोख करने के बाद में जो पानी निकलता है उनमें वही पोषक तत्व होते हैं जो कि सब्जियों में होते हैं, तो आप उन्हें पौधों में दे सकते हैं। दूसरी बात, जो उनके छिलके होते हैं छिलकों को भी हम सोख करके दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे ही हम मिट्टी में दबा देंगे तो उनसे खुद ब खुद वो मल्चिंग होते रहेंगे, साथ साथ में वो जो उनका पोषक तत्व होगा उसमें रिश्ता रहेगा, पौधे ऑब्जर्व करते रहेंगे, वो भी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं दोस्तों कि लोग कुछ किचन कंपोस्ट बनाते हैं, तो किचन कंपोस्ट में थोड़ा सा वेट करना होता है, हमें इंतज़ार करना होता है कि ये कंपोस्ट हो जाए डीकंपोस्ट हो तब हम यूज करें, क्योंकि कच्ची खाद हम लोग यूज नहीं कर सकते। कच्ची खाद यूज करेंगे तो पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर डीकंपोस्ट होने के बाद में हमें वो यूज करना होता। तो यहाँ पर आज मैं डायरेक्टली यूज करना बताऊँगी पौधों को गुड़हल के लिए खास करके, कि हम कैसे डायरेक्टली उन सब्जियों के छिलकों को यूज कर सकते हैं और बिना कंपोस्ट के, बिना किसी फंगस के या फिर किसी झिकझिक के, किसी वेट के कि हम लोग को वेट करेंगे तो हमें वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं दिखा दूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ किचन वेस्ट लेकर आई थी। ये हैं कुछ ये लौकी के छिलके हैं, मैंने धूप में रखे हुए थे क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा सा इनका पानी और भी वो हो जाए। यहाँ पे आपको पता है लौकी के लौकी में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत उसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं। ओनियन पील, आपको पता है ओनियन में भी नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, प्लस यहाँ पे आलू के छिलके भी हैं, इनमें भी पोटास पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और यहाँ पे प्लस दोस्तों ये है हमारा गार्लिक का कुछ गार्लिक भी लगे हुए हैं और क्या कहते हैं गार्लिक के पिल्स भी हैं। तो यहाँ पे मतलब और यहाँ पे मतलब दिखा दूँ मैं, ये कैप्सिकम के भी कुछ टुकड़े हुए हैं। तो ये मतलब मेरा पूरा किचन का जो आज था मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने धूप में रखे हुए थे, थोड़े से मुरझाए हुए हैं, बट कोई नहीं, जब मिट्टी में जाएंगे तो खुद ब खुद ये उनके जो पोषक तत्व होंगे वो मिट्टी में जाके ऑब्जर्व होंगे और हमारे पौधों को वो चीज़ें देने वाले हैं। तो हमें क्या बिना क्या कहते हैं कंपोस्ट के पौधों को हमें कैसे पोषक तत्व देने हैं, तो क्या करना है, ये हमारा गुड़हल का प्लांट है। तो हम क्या करते, भी मैंने पानी दिया हुआ था मॉर्निंग के टाइम में, तो भी मिट्टी सूखी नहीं है, तो इस तरीके से भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो देने का तरीका क्या होता है, कुछ लोग ऊपर से भी देते हैं, दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैसे देने से क्या होता है कि आपकी मिट्टी में मल्चिंग भी रहेंगी, नमी भी रहेगी, क्योंकि धूप तेज होने लगी है ना, तो जिससे आपके पौधे हेल्दी रहेंगे और नमी बनी रहेगी, पौधे सूखेंगे नहीं, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लगभग 2 या 3 इंच का, 3-4 इंच का मैं गड्ढा बना दूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जड़ से थोड़ा सा दूरी बनाना है, इस तरीके से थोड़ा गहरा बनाना है और साइड में इन सारे छिलकों को दबा देना है इस तरीके से करके। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसी में ये खुद ब खुद जब पौधे मिट्टी के नीचे जाते हैं तो सड़ने गलने का चांस नहीं होता, उसमें सड़ तो जाते फिलहाल, उसमें जो फंगस वगैरह कीड़े वगैरह होते वो नहीं लगते, बिना फंगस के बिना किसी रिस्क के हम
इस तरीके से अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वो धीरे धीरे खुद ब खुद इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेते रहेंगे और हमारे क्या कहते हैं गुड़हल को वो चीज़ें मिलती रहेंगी जो हम लोग दे नहीं पाते हैं। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि हम क्या चीज़ दें, तो अगर इस चीज़ की कन्फ्यूज़न रहती दोस्तों तो किचन वेस्ट बेस्ट है। आपको पूरी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी हमें गुड़हल को क्या देना है। वैसे तो मैं बता दूँ गुड़हल के लिए सबसे बेस्ट वर्मी कम्पोस्ट होता है, अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो आप उन्हें दे सकती हैं आसानी से। तो इस तरीके से हम पूरा देने के बाद में इनको हमें मिट्टी से ही दबा देना है। मिट्टी गीली रहेगी तब अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप पानी ऊपर से दे दीजिएगा। इस तरीके से क्या होगा, अभी तो नहीं, थोड़ा सा मतलब फूले फूले लग रहे हैं, एक दो दिन में खुद ब खुद नीचे बैठ जाएंगे, तब जाएंगे। इससे दोस्तों क्या होगा कि इसमें फंगस भी नहीं हो लगेंगे, ना ही कोई कीड़े वगैरह आएंगे, क्योंकि खुली हुई जो सब्ज़ियाँ हो छिलके होते उस पर जाहिर से बात है जब सड़ेंगे गलेंगे तो कीड़े आएंगे फंगस आएंगे, और अभी इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस तरीके से हम दबा देंगे तो हमें किसी भी चीज़ का कंपोस्ट करने का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और साथ साथ में हमारे पौधों को वो पोषक तत्व तो चीज़ें मिलती रहेंगी, खास करके गुड़हल को। और इस तरीके से गुड़ाई भी करते रहे, ना है धूप भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, धूप अपने पौधों को देते रहे, पानी भी देते रहे। पानी क्या होता है अगर टाइम टाइम से देते रहेंगे तो अगर हम एक टाइम दो टाइम चूक भी जाते हैं ना तो क्या होता है पौधे मुरझाने लगते हैं, पत्तियाँ झड़ने लगती पीली पड़ के, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें करिएगा और किचन में कुछ भी चीज़ें निकलें जैसे कि छिलके मैंने भी दिखाया किस तरीके से यूज करना है, उनका पानी होता धुलते तो निकलता है, दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, वो सारी चीज़ें अगर हम पौधों को देते हैं तो 100% आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी ढेरों सारे फूल देने लायक बन जाएंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो नए प्लांट नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।